फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है स्वामी विद्यानाथ आनंदा। IIT JEE में इनकी रैंक थी 67। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ से उन्होंने की और उसके बाद टोटली अपना करियर फ्लिप कर दिया, मैथमेटिक्स में घुस गए। PhD करी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से और बहुत सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। ये इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स होती है, रियो डी जेनेरियो में जब हुई थी तो उसमें स्पीकर भी थे। अब ये एक वेदांतिक फिलोसोफर जो हमारे हैं रामकृष्ण परमहंस, उनसे बड़े इंप्रेस थे ये, इसलिए इन्होंने ज्वाइन कर ली रामकृष्ण मैथ्स और स्पिरिचुअल लाइफ और मैथमेटिक्स दोनों को साथ में जीना स्टार्ट कर दिया। इनका कहना था कि आई एम एंजॉयिंग बीइंग अ मॉन्क एज मच एज आई एंजॉय मैथमेटिक्स। अब ऐसा इंसान जिसके पास इतने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, IITian हो, वो इंसान लाखों करोड़ों में आराम से पैसे कमा सकता है। वो इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में गया और उसने मैथमेटिक्स भी नहीं छोड़ी। मेरे कहने का पर्पस है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें इतनी ज्यादा एंग्जाइटी, इतनी ज्यादा नर्वसनेस, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इसमें क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा जाता स्पिरिचुअलिटी का एक सब्जेक्ट स्कूल टाइम की लाइफ में या कॉलेज टाइम की लाइफ में, चाहे उसे ऑप्शनल बना के रखो, लोग अपने वॉलंटियर करके उसमें एंटर करना चाहें तो करें।